हेलो फ्रेंड्स, रेसलिंग जॉय में आप लोगों का स्वागत है। आइकॉनिक डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार समोआ जो को हाल ही में स्पॉट किया गया है। एनएक्सटी चैंपियनशिप रिलिंक्विश करने के बाद ये पहला मौका है जब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के शैडो में आए। डब्ल्यूडब्ल्यूई ट्रायआउट के दौरान समोआ जो को परफॉर्मेंस सेंटर में एक ऑब्जर्वर के रूप में देखा गया था। ये प्रमोशन एस्टेब्लिश सुपरस्टार के बदले नए यंग टैलेंट की ओर हाथ बढ़ाया है। फॉर्मर कॉलेज फुटबॉलर एलिमा कॉलिंस समोआ जो के साथ एक फोटो इंस्टाग्राम पे शेयर किया है। उनके से पता चलता है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए बैक स्टेज रेस्पॉन्सिबिलिटी को अपने कंधों पे लिया है और नेक्स्ट जेनरेशन टैलेंट के करियर में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। द क्वीन चार्लोटी और अंद्रादे अपने ब्रेकअप को लेकर सुर्खियों में थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उन दोनों के बीच सब कुछ पैचअप हो गया है। चार्लोटी फ्लेयर का एक पोस्ट ने इसे क्लियर कर दिया। रिसेंटली अंद्रादे और फ्लेयर इंस्टाग्राम पे बहुत ही क्लोज पोस्ट देते नजर आए। पोस्ट का कैप्शन इनके रिश्ते की मिठास बयां कर रहा था। ये स्वीट सा कपल ऑफिशियली एक हो गए हैं। डे वन को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास ढेरों प्लान्स है, लेकिन इस पर कोविड पेंडेमिक की बुरी नजर लग गया है। प्लान के मुताबिक द आरके ब्रो डे वन में मिस्टीरियस के खिलाफ चैंपियनशिप डिफेंड करने वाले थे। एज पर लेटेस्ट रिपोर्ट ये मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई डे वन से रिमूव कर सकता है। इस हफ्ते हुए रॉ में मैट रिडल एब्सेंट थे। पहले ही रिपोर्ट आया था कि कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार और स्टाफ कोविड की लपेट में आए हैं। हम आशा कर सकते हैं कि रिडल कोविड पॉजिटिव नहीं हो। वो पब्लिकली अपने एब्सेंस के बारे में नहीं बोले हैं, लेकिन अगर वो पॉजिटिव हुए तो डे वन में चैंपियनशिप मैच के लिए ये नेगेटिव हो जाएगा।